बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ़ यू फाइन एंड इन द मान ऑफ अल्लाह। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश। ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 2626। टुडे वी हैव अ कलर, ओके, आइडेंटिफाई एंड कलर द ऑब्जेक्ट पर्पल। टुडे वी हैव अ पर्पल कलर। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट विच इज़ पर्पल कलर? This is purple color. This is purple color. आपने उस पिक्चर को कलर करना है जो purple. Tree. Is it true that tree is a purple color? Tree has a purple color? No. Tree has a green color. Next, sun. Sun has a yellow color. Of course, floor. Floor are purple. Floors many color के होते हैं. Floors has many colors and purple. We color the floors. पर्पल। आपने क्या करना है, इसकी रोज़ पेटल्स को पर्पल कलर करना है और लीव्स में ग्रीन कलर और ये स्टेम में ग्रीन कलर। ओके, फ्लावर जो है वो पर्पल कलर का हो सकता है, वी कलर द फ्लावर। ओके, ट्री हैज़ अ ग्रीन कलर, सन हैज़ अ येलो कलर, वी कलर द फ्लावर। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। ओ माई गॉड, वी हैव अ राइम टुडे। स्टार, लेट्स स्टार्ट। Which poem is this? Twinkle, twinkle, little star. Okay. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. The girl talk with the star. What she sang to the star? Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the वर्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2828। नाउ ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 2828। टुडे वी हैव लेटर जी। प्रीवियस डेज वी लर्न द लेटर ए टू एफ। नाउ वी हैव लेटर जी। वी राइट लेटर जी, मेक अ सी अप टू डाउन एंड अप। जी फॉर जिराफ, जी फॉर जिराफ। Read with me. Today we learn about letter G, then circle the letter G. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Let's write. Make a C, up to down and tail. A, up to down and round. B, round. C, up to down and round. D, E, make a C then E. F, G, C and down and move. This is letter G. Again C, up to down and move. Letter G. Okay students, now come to our next work, which is Urdu. Open your Urdu book page number 2929. Alif se se tak trace kare. Okay, we complete two families, Alif and Ba. There are two family member in the family of Alif, Alif and Alif Mada, and five family member in the family of Ba, Pe, Te, Te, Se. Let's start. Alif, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से। अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट वर्क। नाउ ओपन योर उर्दू बुक पेज नंबर 3030। एक जैसे हरूफ को आपस में मिलाएं, सेम जो वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, आपने उनको मैच करना है। मैच द सेम अल्फ़ाबेट्स। अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से। ओके, अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से।
Okay, students, now come to next work, which is Urdu assessment. Open your Urdu assessment sheet number 12, 1 to 12. Mention here your name and date. Say. Say has a 3 dot. Trace the letter. Say. 1, 2, 3. Say, say. Summer. Say, say. Summer. Say, say. Summer. समर कलर द पिक्चर. ओके, आपने इस पिक्चर को कलर करना है. से से समर फेयर. ग्रेप्स आर ऑल्सो ग्रीन. ओके, रेड. Apple is red. Pomegranate also red. Leaf green. Banana yellow. समर में ढेर सारे फ्रूट होते हैं. से समर. ओके, नाउ ऑरेंज. ओके, कम टू द नेक्स्ट असेसमेंट, असेसमेंट शीट नंबर 13. नाउ ओपन योर उर्दू असेसमेंट शीट नंबर 13. मेंशन हियर योर नेम, डेट एंड क्लास. अगेन वी हैव लेटर. से समर. से साकिब. से समर. से साकिब. अगेन कलर दीज पिक्चर्स. ओके, फिर ओके ऑरेंज. अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से. अगेन आई रिपीट, अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट वर्क विच इज़ मैथ्स. ओपन योर मैथ्स असेसमेंट शीट नंबर 13. कलर द 5 बैट्स. हाउ मैनी बैट्स? 1, 2, 3, 4, 5. कलर आर दीज बैट्स. हाउ वी राइट 5? स्ट्रेट, डाउन एंड राउंड. आपने ऐसे ही 5 को लिखना है. एंड कलर 5 बैट्स. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, ने 5 बैट्स को कलर करना है. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. These are 5 bats. Okay, come to the next assessment, assessment sheet number 14. Okay, farm animals. 5 farm friends. Trace farm animals in each row to make 5, then color the picture. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. पहले आपने क्या करना है, इन सब पिक्चर्स को ट्रेस करना. ओके, हर रो में आपने इन सब पिक्चर्स को ट्रेस करना है. ठीक है, इन सबको आपने ट्रेस करना है, देन आपने इनको कलर करना है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेस एंड देन कलर. ओके, इन सब पिक्चर्स को, 5 को आपने पहले ट्रेस करना है, फिर इन सब पिक्चर्स को आपने कलर करना है. ओके, okay?
इन सारी पिक्चर्स को, कलर ऑल दीज पिक्चर. ओके, आई कलर जस्ट वन पिक्चर, कलर ऑल द पिक्चर, कलर दीज ऑल पिक्चर्स. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर, सॉरी, असेसमेंट शीट नंबर 15. नाउ ओपन योर असेसमेंट शीट नंबर 15. काउंट द नंबर दैट टेल हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर. 1, 2, 3, 4, 5. हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर? 5. हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर? 5. एंड देन यू हैव कलर द एप्पल इन द मिडल. जो मिडल में एप्पल है आपने उसको कलर करना है. ओके, done. Now come to the next assessment, assessment sheet number 16. Okay, first of all, count and color the dinosaurs. How many? 1. How many? 1. 1, 2. How many? 2. 1, 2, 3. Make a C and then 3. 1, 2, 3, 4. How many? 4. 1, 2, 3, 4, 5. How many dinosaurs are there? 5. Basically, we have a counting 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then, color all these dinosaurs. उसके बाद आपने इन तमाम dinosaurs को color करना है. Color all these dinosaurs. अपने इन सारे dinosaurs को color करना है. Okay students, now come to our next work, which is social science. Open your social science book, page number 2626. As you know, these days we are learning rough and smooth things, hard and soft things. Today we have smooth thing. Yesterday we learned about rough things, today we have smooth things. Table top, table ke jo top pe jo glass laga hota hai, wo bilkul smooth hota hai. Plastic sheets, वाइट बोर्ड, ब्लॉक्स, ग्लेज पेपर, इन तमाम चीज़ों पे अगर आप अपना हैंड रब करें, हैंड लगा के देखें, तो ये हमें स्मूथ लगती हैं. टेबल टॉप, प्लास्टिक शीट्स, वाइट बोर्ड, ग्लेज पेपर एंड ब्लॉक्स, दीज आर स्मूथ थिंग्स. इनके जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है. जैसे बुक के ऊपर का ये बुक है, इसका सरफेस भी स्मूथ है. ओके, स्मूथ थिंग्स अच्छा लगता है. आप जहाँ पर हाथ लगाते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो चीज़ आपको स्मूथ फील होती है. टेबल टॉप, प्लास्टिक शीट्स, वाइट बोर्ड, ब्लॉक्स एंड ग्लेज पेपर, दीज आर स्मूथ थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर सोशल साइंस असेसमेंट शीट नंबर 17. मेंशन है योर नेम, डेट एंड क्लास. वी हैव रफ एंड स्मूथ थिंग्स. रफ एंड स्मूथ थिंग्स, रफ कौन सी होती हैं? जो हाथ पे, जिनको हम हाथ लगाते हैं वो हमें अच्छी नहीं लग रही होती. और स्मूथ वो होती हैं जो जिन पे हम हाथ लगाते हैं उनका सरफेस हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉल. सर्कल द रफ ऑब्जेक्ट एंड पुट अ स्क्वायर अराउंड स्मूथ ऑब्जेक्ट. जो रफ सब्जेक्ट है आपने उनको सर्कल करना है. वॉल है, वॉल इज़ अ रफ. सर्कल द वॉल. बनाना इज़ अ स्मूथ थिंग. देन पुट स्क्वायर अराउंड बनाना. स्टोन्स, स्टोन्स आर रफ. सर्कल. नेक्स्ट इज बुक. बुक सरफेस इज़ अ स्मूथ. बुक का जो सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है. देन पुट स्क्वायर अराउंड इट. नेक्स्ट इज रग. रग इज ऑल्सो रफ थिंग. देन पुट अ सर्कल. रग इज ऑल्सो रफ थिंग्स. नेक्स्ट इज वुड. वुड इज ऑल्सो रफ थिंग. ओके, वी हैव फोर थिंग्स आर रफ एंड टू थिंग्स आर स्मूथ. ओके, वॉल, स्टोन्स, rug and wood, these are rough things. Banana and book surface is smooth things.